वेलकम टू हाउस अरेस्ट कुकिंग। आज सबके साथ शेयर कर रही हूँ वैलेंटाइन डे स्पेशल रेड वेलवेट स्पॉन्ज केक। केक का नाम सुनते ही सेलिब्रेशन की याद आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई भी ओकेशन हो या सेलिब्रेशन हो, उसके लिए हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट, सुपर अमेजिंग एंड एक्सट्रीमली डिलीशियस रेड वेलवेट केक। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है रिफाइंड फ्लावर, शुगर पाउडर, मिल्क पाउडर, वेनिला एसेंस, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, रेड कलर, कोको पाउडर, बटर, विनेगर, मिल्क। अब हम लेंगे एक कप वार्म मिल्क, इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून विनेगर। ऐड करने के बाद एक बार मिक्स करेंगे, फिर इसे हम 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे एक बोल, उसमें ऐड करेंगे एक कप मैदा, एक कप शुगर, उसको अच्छे से छान लेंगे। अब हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, 1.5 टीस्पून हर्शली कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर ऐड करेंगे मिल्क, बटर, रेड फूड कलर, वेनिला एसेंस। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक स्मूथ और लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार करेंगे। यह बैटर एकदम तैयार है। अब बैटर को हम मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/2 kg का मोल्ड लिया है। मोल्ड को अच्छे से बटर पेपर लगाकर ग्रीस कर लिया है। बैटर को अब मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हम इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। 30 मिनट्स हो चुके हैं, केक बेक हो चुका है। ठंडा हो जाने के बाद इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है और परफेक्ट रेड कलर आया है। तो तैयार है हमारा वैलेंटाइन डे स्पेशल रेड वेलवेट केक, है ना अमेजिंग। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।